Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi. अल्हम्दुलिल्लाह, एक नूर के बाद अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें दूसरे नूर के अंदर दाखिल फरमा दिया। रमजान का नूर खत्म हुआ तो अल्लाह सुबहाना ताला ने हज के महीने शुरू कर दिए और एक नूर से दूसरी तरफ दूसरे नूर में अल्लाह ताला ने हमें दाखिल फरमा दिया। ये सब अल्लाह का फजल है, उसका करम है कि इंसान के लिए अल्लाह ने कैसे कैसे इंतजाम किए हुए हैं, जिंदगी दी है, जिंदगी में वक्त दिया है, एहसास दिया है और ईमान भी दे दे तो बहुत ही बड़ी चीज है। और फिर उसके साथ ऐसे मौके इंसान को अता फरमाता है अल्लाह ताला, पैदल एक खत्म होता है दूसरा आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसे खूबसूरत इंसान की जिंदगी बन जाती है। अभी तो रमजान का ही मजा नहीं गया, उसी का टेस्ट इतना जबरदस्त है, वही खत्म नहीं हुआ कि दूसरी डिश अल्लाह ने भेज दी हमारे पास। बहरहाल अल्लाह का दस्तगान बहुत बड़ा है, इसमें हर डिश मुख्तलिफ है, हर का मुख्तलिफ जायका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम खाने वाले बने, अल्लाह सुब्हान व तआला ने रमजान हमें दिया और पूरे रमजान में अल्लाह ने ऐसे ऐसे अमाल की हिकमतें खोली हम पर कि हम पर दीन इतना आसान फरमा दिया। हमें चाहिए कि सारा साल उन चीजों के बारे में अपने सोचते रहें और अपने सामने रखें कि अल्लाह पाक ने इस रमजान के जरिए से हम पर कैसी कैसी नेमतों को वाजह किया है। देखें आज रमजान गया है, तकरीबन हर आदमी उदास है और एक फिक्र तो तकरीबन हर जवानों पे आपको नजर आएगा, भाई रमजान बड़ा जल्दी चला गया, पता भी नहीं चला रमजान का। रमजान में भी बड़ा मजा था, बड़ा मजा, बड़ा लुत्फ आता था। बताएं, हर आदमी जुबान पे ये चीज है, सुभानअल्लाह, अल्लाह सुबहान तआला ने कितना बड़ा पैगाम रखा है इसमें। देखिए ये किस चीज का मजा है, इसी किस चीज को हम मिस कर रहे हैं। एक्चुअली सोचें तो इसी जरा कि अल्लाह पाक ने हमें तो सब कुछ बंद कर दिया था हमारा, और खाना भी बंद, पीना भी बंद, सारे मशरूबात बंद और सख्त गर्मी है और सब मना कर दिया अल्लाह ताला ने, इसमें क्या मजे की बात है मुझे बताया, किसको मजा। और फिर ऐसा मजा कि अगर खत्म भी हो गया तो फिर भी कह रहे हैं यार बहुत लुत्फ आया भाई, तो दिल करता है भाई रमजान जाता ही नहीं। ये आम लोग कह रहे हैं, आम आम, ये नहीं कोई अल्लाह वाले कह रहे हैं, ये कोई बहुत बड़े मुत्तकी लोग कह रहे हैं। तो कितना बड़ा पैगाम अल्लाह पाक ने इसमें दिया, जरा सोचे आप कितना बड़ा पैगाम है। अल्लाह ने ये बताया है हमें कि देखो ये जो मजा है ना, मजा ये किस चीज का मजा है, क्यों आ रहा तुम्हें आज रमजान, तुम याद कर रहे हो, क्यों उसको मिस कर रहे हो, क्यों तुम लुत्फ आ रहा है इस चीज का। तो मैं ये मजा सिर्फ इस चीज का है कि मैंने तुम एक हुक्म दिया था, तुमने उस हुक्म को पूरा किया है, तो जो हुक्म पूरा करने का मजा है ये रमजान में। सिर्फ मैं आत्मा में ये कहा था कि चंद घंटे खाना छोड़ दो, बस ये एक हुक्म था, खाना नहीं, पीना नहीं, और जो बस मेरे हुक्म को ताकत तुमने चलना है, तो हमने इस हुक्म को ले लिया, इस एक हुक्म को लिया सिर्फ। और अल्लाह पाक ने एक दो दिन नहीं बल्कि 30 दिन हमें ऐसे रखा है
एक दिन रहना बड़ा मुश्किल है, 30 दिन इतना रखा है। और फिर पूछा तुम्हें मजा आया, सब कहने जी बड़ा मजा आया। तो फिर ये मजा इसी चीज का था कि तुमने मेरे एक हुक्म को माना तो कितना तुम्हें लुत्फ आया, कितना मजा आया। और ये बताओ मुश्किल था? नहीं जी, बड़ा आसान था, हमारा दिल करता है और रोजे रखते। बात तो कहते हैं रमजान बढ़ जाता। कितना आसान था मेरा हुक्म मानना, हुक्म छोटा था। अल्लाह फरमाते कितना बड़ा हुक्म था कि पूरा दिन तुम्हें मैंने भूखा रखा है और हर चीज तुम पे हलाम खराम कर दी और तुमने उसको मान लिया, तो तुमने कर लिया। और करने के बाद कहती भी ये भगवान था। तो फरमाया ये मैसेज मेरा अल्लाह ताला ने दिया है, मैसेज ये है कि मेरा हर हुक्म ऐसे ही है। मैं तुम्हें एक मिसाल दी, अल्लाह ताला फरमाता है मेरा हर हुक्म ऐसे ही, तुम नाफरमानी क्यों करते हो? उसका ऐसे ही टेस्ट है, उसका ऐसे ही लुत्फ है। एक हुक्म दे, जितने मैंने अहकाम तुम्हें दिए हैं सबको करने में यही मजा है। जब कोई आदमी मेरे हुक्म की तामीर करता है अल्हम्दुलिल्लाह और इखलास के साथ, जैसे तुमने रोजे में इखलास के साथ रोजे में तुमने ये काम किया है, बगैर किसी को दिखाए, बगैर किसी उसके बड़े जौक और शौक से तुमने ये काम किया है। और जब मेरा कोई हुक्म आए और तुम उसको जौक और शौक के साथ इखलास के साथ अदा करो तो ये तो बिल्कुल इससे भी ज्यादा तुम्हें मजा आएगा। तो क्यों डरते हो तुम मेरा हुक्म ना मान, क्यों मेरे हुक्म को नहीं मानते? क्योंकि शैतान ने तुम्हें कहा ये तो बड़ा सख्त है, ये तुम कैसे करोगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने एक बहुत मुश्किल जगह तुमसे वो करवा दिया और तुमने वो कर लिया, और करने के बाद तुम्हें टेस्ट भी आया, मजा भी आया, तो अब तुम क्यों इनकार करो इसके बाद? ये रमजान का मजा नहीं है, ये एक्चुअली मजा जो है ये अल्लाह सुभान व तआला के उस हुक्म के मानने का था जो तुमने अदा किया है। बड़े सुभान अल्लाह, देखें आप कैसी पोशिदा था एक मैसेज इसके अंदर। हम जो रमजान याद करते हैं, रमजान रमजान मेरे भाई, अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ो मुस्तैदी के साथ। अगर इंसान प्रॉपर वक्त पर जिस अल्लाह ने फरमाया उठ के शौक से पढ़ना शुरू कर दे, वल्लाह एक नमाज का तो मजा, एक पूरे रमजान का मजा एक तफरक दे, एक नमाज का मजा उससे कहीं ज्यादा है, एक नमाज का मजा उससे कहीं ज्यादा आपको मजा आना शुरू हो जाएगा उस नमाज में। क्योंकि नमाज के एंड में ने बहुत बड़ा वादा किया है, बहुत बड़ा वादा किया है कि तू सिजदा कर और मेरे करीब आ जाओ। कितनी बड़ी, कितना बड़ा अल्लाह ने इनाम इसमें दिया है, आप सोचिए। तो इसका जितना बड़ा अल्लाह का किसी फेल पे इनाम देता है, उस चीज कदर अल्लाह ताला उस पर मजे रखता है ज्यादा, उसी में ज्यादा मजा आता है। तो माशाल्लाह हमें समझ आ गई बात ही भाई, असल मकसद जो है रमजान के मजा जो हमें आ रही है, मजा इसी चीज का था कि हमने उसके एक हुक्म को माना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आकर इस मैसेज को समझ जाए और पूरा जिंदगी अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को इसी तरह पूरा करें। आधे तीतर आधा बटेर नहीं चलता, ये शैतान का रास्ता है, हमारा रास्ता नहीं है। आप चल के देखें तभी तो दुनिया बड़े बड़े काम कर जाते हैं, इतने बड़े बड़े जो सहाबा कराम ने काम किए, इतने बड़े बड़े जो अल्हम्दुलिल्लाह नेको साला लोग काम करते हैं या जो लोग भी करते हैं उस मजे के पीछे करते हैं। जैसे आपने रोजा मजे के पीछे रखा है कि ना आपको भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, कुछ भी, लेकिन वो अल्लाह का हुक्म में मजा इतना है कि हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, भूख में मजे ले रहे हैं, प्यास में मजे ले रहे हैं, गर्मी में ना खाने में मजे ले रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मजे ऐसे ही है। और जब हुक्म मान लिया हमने उसका मजा ऐसा है, तो सर आप बताएं जन्नत में उसको कितना बड़ा मजा मिलेगा उसके बजाय। अल्लाह ने कहा भाई शराब मत पियो, आपने अल्लाह का ये हुक्म मान लिया। अल्लाह ने कहा भाई दर्द मत पियो, आपने ये हुक्म मान लिया। कहा तुम जरा मत करो, अल्लाह का आपने हुक्म मान लिया कि ठीक है मैं करूंगा। अब इखलास के साथ इस हुक्म पे चलना शुरू हो तो अव्वल तो दुनिया में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, आप चलना शुरू हो जाए दुनिया में आपको मजा आना शुरू हो गया। और फिर असल मजा अल्लाह ताला तो वो है जो जन्नत में इसका देगा हुक्म मानने का। अल्लाह ताला वो क्या हुआ कि आपने शराब को छोड़ दिया अल्लाह के हुक्म से, जैसे हमने खाना पीना रोटी सब छोड़ दी थी। अब ये रोटी हमने छोड़ी है, उसका मजा हमने दुनिया में दे दिया कि हम रमजान को याद कर रहे हैं, लेकिन अभी तो असल मजा इसका आखिरत में मिलना है। इस छोड़ने के बदले में अल्लाह हमें क्या था फरमाएंगे रमजान में, वो तो अल्लाह ने क्या बयान फरमाए। इसी तरह जब हर हुक्म जो इस समय आपको मिसाल दिए, कोई आदमी शराब छोड़ता है या कुछ
तो फिर क्या हल तरह कहता है कि जब तुम यहाँ शराब छोड़ोगे मेरे हुक्म को मानने के बाद, उस हुक्म का मजा इतना होगा कि असल मजा तुम्हें जन्नत में उसका दूंगा। वो कैसा होगा कि वो जन्नत की, यहाँ तुमने शराब छोड़ी उसके बदले जन्नत की तुम्हें सौंठ की और जन्नत की तुम्हें शराब दी जाएगी, जिसमें न बदबू होगी न नशा होगा, उसमें नशा कोई अजीब ही होगा, उसकी कैफियत तो हम ना समझ सकते हैं ना बता सकते हैं ना हमें पता है। वो इस हुक्म के मानने का मजा होगा जो यहां हमने किया है, यहां भी मजा दिया गया दुनिया के किताब भी, फिर असल मजा इसका आखिरत में उसका मिलेगा। तो भाई अल्लाह का दीन तो मजा ही मजा है, रमजान की कमा सारी चीजें मजे मजेदारी हैं अगर हम इस पर अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने हिम्मत और रमजान के कीमती नुक्ते को समझ जाए इंशाल्लाह जिंदगी हम कोई हम अल्लाह का नहीं छोड़ेंगे, भड़के करेंगे, हर डिश का मुख्तलिफ मजा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसे अल्लाह के हर अमल का मुख्तलिफ मजा, जिस समय आपको नमाज की मिसाल दी है, हर अमल का जो भी हुक्म फरमा रहे हैं कि करो और आपने वो किया, और जिससे अल्लाह मना फरमा मत करो और आपने उसको सोख दिया, दोनों बड़े मजेदार हैं और फिर असल मजा जन्नत में अल्लाह अता फरमाएंगे। वाखुदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، شفيع المذنبين، طه ياسين الحبيب الأمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمين، يا راجي وحب المؤمنين، وذرياته وحبيبته، اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما ابدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعلينا وحرمنا وجنانا وخطانا وعلينا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمتم واخرتم واسرتم واعلنتم واصفتم وانت اعلم به. انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت. رب اغفر لهم وانت خير الراحمين. رب اغفر لهم وانت خير الراحمين. ربي اغفر انت خير الراحمين. اللهم انك تغفر الذنوب، اللهم انك غفور تحب العفو يا كريم، اللهم انك غفور تحب العفو يا كريم، يا ارحم الراحمين تبع ابراهيم وغفر الذنوب. لن يستغفر لن يستغفر بچپن سے جوانی میں بڑھاپے میں جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، جن گناہوں کو ہم بھول بھی گئے میرے مولا तेरी किताब में लिखे हुए या करीम तो हमें माफ़ फरमा दे या अल्लाह। यजीम तुमने नसीब फरमाया मेरे मौला, आज के याम शुरू हो चुके मेरे मौला, तेरे महबूब तेरी नजाम है मेरे मौला, इसमें तेरी अजीब रहमतें उतरती हैं या अल्लाह। तो हमें दोज़ख की आग से बरी कर दे या अल्लाह, कज़ब कब्र के अज़ाब से बचा ले या अल्लाह, बुरी मौत से बचा ले। अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ ना हिसाब में यसीरा, اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم أعنا على مرات الموت وسكرات الموت، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا الموت وفتنة المسجد الدجال، يا الله ببري بماني سبجا، يا الله وبون سبجا، يا الله يا الله وبون سبجا ببري بماني سبجا، يا الله نصوم بكم جنون الجدام وسائل السكام يا كريم. يا رحم الرحيم يا رحم الرحيم، هل بيمار سے بچا، هل مصیبت سے بچا، هل پریشانی سے بچا، یا اللہ تمام نیک بلائی یا اللہ تو عطا فرما، جو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جلد آنے والی یا دیر میں آنے والی، یا اللہ تمام ان برائیوں سے بچا لے میرے مولا، جو جلدی آنے والی ہے دیر میں آنے والی، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے میرے مولا، یا اللہ ساری اچھائیاں بھلائیوں میں عطا فرما دے، जल्दी आने वाले या देर में आने वाले, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते मेरे मौला, या अल्लाह अपने फर्ज हुक्म का मामला आज की रात अदा करो। बहुत ही अजीम रात है मेरे मौला, बहुत ही अजीम रात है मेरे मौला, हमारे लोग हमारा नाम अपने नेक लोगों की लिस्ट में लिख ले मेरे मौला, जिन लोगों से तुम मोहब्बत करते मेरे उनमें हमारा नाम लिख ले या करीम या करीम या करीम। तेरी लिखने की स्याही इतनी पक्की है कि जो लिखा जाए तो कोई मिटा नहीं सकता मेरे मौला, یا اللہ ہمیں توبۃ النسو نصیب فرما، یا اللہ برحمین کسانوں کی بخشش عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا ان کی میرے مولا حسین ذاتوں کے اندر بخرما درجاتوں کو بلند فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو یا میرے مولا جنت کی کیاریاں بنا،
या अल्लाह हमारे माँ बाप हमारे दादा दादी नाना नानी खाला खालू सास ससुर जितने भी हमारे माए बाप है मेरे मौला, या अल्लाह तुम सबके करम फरमा उनकी बख्शिश फरमा मेरे मौला। या अल्लाह हमारे सिलसिले की एक बहुत ही अच्छी जाखरा औरत मेरे मौला, जो कुछ साल पहले कुछ दिनों पहले मेरे मौला हिंदू मजहब से छोड़ कर इस्लाम में दाखिल हुई थी, या अल्लाह और इतना इश्क था उनको अल्लाह के नाम से कि हर वक्त अल्लाह का नाम लेती थी। और अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक कि जो मेरा जिक्र कसरत से करता है तो मौत के वक्त भी वो मेरा जिक्र ही करता है, और तेरे महबूब को पसंदीदा अमल जैसे कि तेरे महबूब ने फरमाया कि जब इस दुनिया से जाओ तो मेरा नाम लेते जाना, तो उसकी ज़बान पर आखिरी नाम तेरा ही था अल्लाह अल्लाह करते। इससे रमज़ान की रातों में गुजर गई और जब ईद के अंदर उनका इंतकाल हुआ और ईद के रोज़ उनको दफनाया गया, क्या अंजाम है मेरे मौला, क्या इनाम है तेरे दुनिया में, न जाने आखिरत में उनको क्या नाम तो अता फरमाए मेरे मौला। हर वक्त उसको ये लाख रहती थी फिक्र कि हज़रत साहब मुझे जन्नत मिल जाएगी, मुझे तो जन्नत में ये हो जाएगा जन्नत में वो हो जाएगा। सुबहानअल्लाह अपनी आँखों के साथ उस जन्नत को देख रही होगी। अल्लाह पाक हमारे भी इश्तियाक़ दीद और इश्तियाक़ जन्नत पैदा फरमा दे, हम भी ऐसी बातें करें और हंसते हुए जन्नत में चले जाएं। दुआ करें उनके लिए, उनके लवाकिन के लिए, उसके सबको अल्लाह ताला उनको इसी तरह ज़ाकिर बनाए, उसकी लड़की उसको बनाए, उसका जो नवासा है उसको बनाए, अल्लाह का जिक्र करने में उनको दाखिल फरमाए, उन दोनों को अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए और सब्र अजीम अता फरमाए, इस मंशा पे सरजा पर उनको या अल्लाह राज़ी कर दे। या रहमान तो अपने फजल करम से आज की रात जितनी दुआएं हमने मांगी मेरे मौला उन दुआओं को तो कबूल फरमा और हमारा नाम भी अपने सुहालीन में लिख दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क ही मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाईन बिरहमतिके या अरहमर राहिमीन। सुभान रब्बिकल अज़ीम इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।